Hello Gizmo Brains, how are you? Now you can visit us on www.thegizmobrain.com. तो ये है एटॉम बर्ग का पेडेस्टल फैन एफिशियो प्लस जो हमको रिप्लेसमेंट में आया था, लेकिन किसके बदले आया था? ये वाला जो फैन है इसके बदले। ये बार बार खराब हुआ वो वाला फैन, एटॉम बर्ग गोरिल्ला मॉडल था वो, तो वो मॉडल डिस्कंटिन्यू हो गया है। ये वाला मॉडल हमारे पास आया है, इसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। वो वाला जो फैन था उसका जो पावर सप्लाई है SMPS और सर्किट कंट्रोल सर्किट दोनों चेंज हुआ था, क्योंकि वो BLDC मोटर है, उसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट्स रहते हैं। और वो बार बार खराब होता था, वारंटी में करीब दो बार रिप्लेस हुआ, फिर नॉन वारंटी में एक बार। 500 SMPS का कॉस्ट, और उसके बाद हमने किया था 200 रुपीज सर्विस चार्ज, तो 700 करके रिप्लेस किया था, फिर भी वो खराब हो गया। तो अभी वो कंपनी ने उस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इनफैक्ट अभी और नहीं मिलेगा वो वाला मॉडल। ये नया था पेडेस्टल एफिशियो 400 ml। क्योंकि वो रिपेयर नहीं करा पाए उस फैन को, उन्होंने एक रिफर्बिश्ड मॉडल भेजा है, उसके लिए मुझे 950 समथिंग पे करना पड़ा। हाँ, 950 रुपीज पे करना पड़ा उनके बैंक अकाउंट पे। ऑनलाइन नहीं खरीद पाएंगे इसको। ये मॉडल वैसे नया खरीद सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो फैन बार बार खराब हुआ, उसको रिपेयर नहीं करा पाए कंपनी ने, रिपेयर नहीं करा पाया, तो उन्होंने रिप्लेसमेंट रिफर्बिश्ड फैन भेजा। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। नंबर वारंटी कार्ड, 1 ईयर, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये इसका रॉड है, ये दूसरा, फैन का ग्रिल और ब्लेड, ये है इसका मोटर, ये इसका फेस, बैटरी। चलिए अभी इसको फिटिंग करते हैं, असेंबल करते हैं। तो पहले ये जो रिमोट है, इसमें बैटरी डालेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव और ये उल्टा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। ये इनविजिबल है, टैक्टाइल स्विचेस है, पहले वाले में ये रेड ब्लिंक करता था यहाँ पे। ये है इसका मोटर, पावर स्विच, स्लीप, स्पीड और यहाँ पे इसका डिजिटल डिस्प्ले है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे इसको खोलने के लिए मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसको होल्ड करके ऐसे, ये क्लॉकवाइज खुलता है और एंटी क्लॉकवाइज बंद होता है, टाइट होता है ऐसे। तो यहाँ पे वो डायरेक्शंस भी मेंशन्ड है, किस तरफ लॉक है, अनलॉक है। ये ग्रिल को टाइट करने के लिए, ये हो गया, ये इसके अंदर जाएगा ऐसे,
अगर इससे ज्यादा हाइट चाहिए तो शायद इसको खोल के हम यहाँ पे एक्सटेंडर लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है Efficio Plus मॉडल FS4019AR, रेटिंग BLDC मोटर 32 वाट का पावर कंजम्पशन है मैक्सिमम स्पीड पे इसका। इसका बेस है काफी हेवी है, रबराइज्ड है, यहाँ पे इसको खोल लेंगे। और ये जो नॉच है ये यहाँ पे लगेगा। ये ब्लेड, फिर यहाँ पे ये एक नोट है, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट, वी होप इट लिव्स अप टू योर एक्सपेक्टेशन, सिंस दिस इज अ न्यू लॉन्च एनी फीडबैक फ्रॉम यू विल हेल्प अस ट्रेमेंडसली। ओके, ये बैक पैनल लगाएंगे, ये जो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे एक नॉच है, ऐसे लगेगा, यहाँ पे दो नॉच, ये ऐसे लग गया। इसको लगाने के बाद ये टाइट हो गया। अब हम निकालेंगे ये वाला ब्लेड, 400 mm स्वीप का ब्लेड है ये, जो ब्लेड ऐसे कवर में लग के आता है, यहाँ पे एक लॉक लगा है और ये जो लॉक है ये टूटा हुआ है, बैड पैकेजिंग देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है और ये ऐसे नॉच है ताकि ये कवर से ना निकले, इसको ऐसे इसके अंदर घुसाया गया था। इसको निकालने के लिए यहां से प्रेस करेंगे और ये निकल गया। इन दोनों को प्रेस करने से ऐसे, ओके, अभी क्या करना है, यहां जो देख रहे हैं ऐसा स्लॉट है, एक स्लॉट इधर है एक इधर है, ये इन दोनों पिन्स के बीच फंसेगा। मैं दिखाता हूँ नजदीक से, ये जो नॉच देख रहे हैं इसे, ये जो पिन्स देख रहे हैं इसमें फंसेगा। और इसके बाद हम लगाएंगे ये वाला, तो इसको ऐसे पकड़िए और इसको टाइट कीजिए लेफ्टवर्ड्स, ये हो गया टाइट। अभी इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो लगाएंगे। फ्रंट इसका ऐसा है, यहाँ पे कुछ लगा है इधर, अगेन क्वालिटी और पेंटिंग इश्यूज, एटमबर्ग वाला लिखा जो है वो नीचे रहेगा। यहाँ पे लिखा है प्लेस द हुक इनटू ग्रिल स्पोक, ये वाला जो है ये ऐसे, यहाँ पे जो वायर है
इसमें ऐसे फंस जाएगा, और टाइट करने के लिए मैकेनिज्म इधर है, तो हम इसको खोलेंगे, ऐसे खुलेगा और वापस ऐसे बंद हो जाएगा, टाइट कर देंगे। तो ये जो देख सकते हैं लॉक्स हैं, तो ये जो लॉक्स देख रहे हैं ना, ये ऐसे दबाने से ये लॉक हो गया। चारों तरफ ऐसे जहां जहां पे लॉक्स हैं ऐसे दबाने से लॉक हो गया। इसको निकालने के लिए थोड़ा हल्का ऐसे ऐसे निकाल देंगे, फिर से प्रेस करेंगे तो वो चारों तरफ लॉक हो गए। अब ये जो निचला वाला पार्ट है इसको ऐसे लगा देंगे, फिर जो अपना स्क्रू है वो इधर टाइट कर देंगे, ऐसे ऊपर नीचे स्विवल कर सकता है, ऐसे ऐसे, और उसको टाइट करने के लिए यहां पे है, टाइट करेंगे तो ये बहुत जल्दी मूव नहीं होगा। अभी ये जो केबल है इसको खोलते हैं हम, खोलने के बाद पावर कनेक्ट करेंगे। इसके पीछे बटन्स है, ये पावर, ये है स्लीप, नहीं ये ऑसिलेशन का है लेफ्ट राइट, और ये स्पीड। तो पावर ऑन करते हैं और ये ऑन हो गया। मैं फिर से पावर प्रेस करता हूँ, ऑफ हो गया, फिर से प्रेस किया तो ये बूस्ट मोड में ऑन हो गया। स्पीड कंट्रोल करने के लिए ये, ये है ऑसिलेशन का, लेफ्ट राइट ऐसे करेगा। पावर बटन से इसको ऑन करेंगे, पहले ये पूरा ऑफ हो जाए, अभी ऑन करते हैं। ये इसका बूस्ट मोड है, पावर यहाँ से मैं 1 स्पीड में किया, अभी ये पावर ऑफ है, इसको चलिए ऑन करते हैं। तो लास्ट हमने लेवल 1 पे इसको रखा था, कोई बाहर कुछ बेच रहा है, हर एक माल बेच रहा है। चलिए ये है 1 नंबर का स्पीड, फिर हम इसको 2 पे सेट करते हैं, ये और थोड़ा उठा, फिर हम 3 पे सेट करेंगे, फिर 4, पांच, और एक बार प्रेस करेंगे तो ये बूस्ट। अभी जो फंक्शन हम देखेंगे ये वाला टाइमर, 0 hours, एच ब्लिंक कर रहा है मतलब 0 hour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, अच्छा तो 0 तक ही है, 9, 0। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 1H पे सेट करके छोड़ देता हूँ तो ये 1 घंटे के बाद यही 3 स्पीड में बंद हो जाएगा। स्पीड आप कुछ भी कीजिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 घंटे के बाद ही बंद हो जाएगा फैन ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको 2 घंटे में बंद करना है फैन, तो आपको जग के बंद करने का जरूरत नहीं है, वो खुद बंद हो जाएगा।
आपको नींद आ गई है, आप सो गए, इसको 2 आवर्स पे सेट कर दिया या फिर कुछ भी, अभी प्रेस किया तो 1 आवर पे सेट है, तो आपके सोने के बाद अभी से अगर आप सोने जा रहे हैं तो 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली इसी स्पीड में, जिस भी स्पीड में है ऑफ हो जाएगा। देखना है कि कितना टाइम आपने सेट किया है, तो ये पावर बस एक बार टाइमर प्रेस कीजिए, ये दिखाएगा कि आपने 1 घंटा सेट किया था। मान लीजिए हमने 8 घंटे का सेट किया है, 8 प्रेस किया, छोड़ दिया, 2 इसका स्पीड है, अभी मुझे याद नहीं कितने घंटे का टाइमर हमने सेट किया था, तो मैं क्या करूंगा, टाइमर प्रेस करूंगा और 8 घंटे का सेट है, बाकी टाइम कितना बचा है ये दिखाएगा, 8 घंटे, 7, 6, 4 वैसा करके 5, 4, 3, 2, 1 करके ये बंद हो जाएगा। तो ये था रिव्यू हटमबर्ग एफिशियो प्लस फैन का। अच्छा, ये मेरा एमआई का बॉडी स्केल है, स्मार्ट स्केल, ब्लूटूथ एनेबल्ड, इसका अलग सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। बस इस वीडियो में इतना ही। खराब फैन देखना चाहेंगे? ये मेरा खराब फैन है जो खराब हो गया, मैं अपना बहुत दिन इसको यूज नहीं कर पाया, शायद 3 साल ही यूज किया होगा मैंने, उसके बाद ये खराब हो गया। ये इसका डिस्प्ले है। चलिए, इसका वीडियो अलग से है, आप देख लेना कभी। इसका पुनर्जीवन हम कैसे क्या करेंगे और एक वीडियो में मैं दिखाऊंगा, ट्राई करेंगे। और ये कचरे के लिए माफ कीजिएगा, हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, ये मेरा वर्कशॉप है तो ये ऐसा ही अक्सर रहता है। मेरा बालकनी इधर है जहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे कपड़े सुखाते हैं, यहाँ पे कूलर इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे एसी इंस्टॉल्ड है, कुछ पौधे हैं। चलिए, बस अभी के लिए इतना ही दिखाना था आपको, बाकी देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वीडियोस देखिए, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वहाँ पे आपको। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा एकदम से कचरा होके रखा है, मेरे लाइट बॉक्सेस हैं, नहीं बाकी सब नहीं दिखाऊंगा। चलिए, कीप वॉचिंग गिज़्मो ब्रेन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना प्लीज। तो इसको देखने के बाद आपके मन में और एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये इतने हाइट का है तो फिर ये पाइप क्यों दिया, कहाँ लगाना है, किधर लगाना है। ये एक्चुअली इस पाइप को रिप्लेस करके, अगर आपको इसको टेबल फैन जैसे, ये तो अभी पेडेस्टल फैन हो गया, अगर आपको इसको टेबल फैन जैसे यूज करना है तो ये इतना छोटा यहाँ पे लग जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ लग जाएगा, तो इतना हाइट नहीं, ये बस छोटू सा फैन बन जाएगा, इतने में, इतने ही हाइट में छोटा सा टेबल फैन जैसे बन जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन पाइप है इसके जगह रिप्लेस कर देंगे, ये वाला यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला नॉच इसके अंदर है वहां पे लग जाएगा, ये पाइप निकल जाएगा। इसको खोइए मत, कभी आपको छोटा फैन चाहिए होगा तो आप ये लगा के काम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल था, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गिज़्मो ब्रेन। नाउ यू कैन विजिट अस ऑन www.thegizmobrain.com।